आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 24 टीवी खबर। करेली से स्कूल जा रही छात्राओं के साथ काम करने शहर जा रही युवती को ट्रक ने रौंदा। सीसीटीवी में घटना हुई कैद। तीनों युवतियां ट्रक की टक्कर से सड़क पर गिरी, एक की मौत सड़क पर। यातायात व्यवस्था पर उठ रहे सवाल सुनिए दोनों बहनों की आप बीती और क्या कहा करेली थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने। करेली से भागीरथ तिवारी की रिपोर्ट। कितने बजे निकली थी? 11 बजे निकले थे, 11:30 के पहले या फिर 11:30 के समथिंग की बात है। कहाँ जा रहे थे? स्कूल जा रहे थे। फिर क्या हुआ? साइड से स्कूल जा रहे थे, दीदी पार्लर जा रही थी, साइड से हम लोग जा रहे थे, ट्रक निकला बाजू से, उसकी टक्कर घली हम लोगों को। तो हम लोग नहीं, बाजू से निकला था तो बाजू से घली थी, हम लोग गिर गए, वो भी गिर गए, उनके पैर पर ट्रक चल गया था। वो एक ही बार चल रही थी बस, तो फिर बोली ही नहीं। इसके ऊपर सिस्टर की? हाँ, सिस्टर की दुर्गा मेरा। आप तीनों बहनें हैं? हाँ, बहन। स्कूल आने के लिए तीनों जन निकले थे? वो पार्लर जा रही थी अपने काम से, हम दोनों स्कूल जा रहे थे। क्या नाम है? काजल मेहरा। ट्रक की स्पीड चल रहा था वो तो हम लोग देख नहीं पाए क्योंकि हम लोग आगे जा रहे थे और एकदम से ट्रक की स्पीड तो ज़्यादा ही रहेगी ना, फिर वो निकला बाजू से तो हम लोगों को घल गया। क्लास की स्टूडेंट? हम 12th कॉमर्स और वो 9th की। वो तो पार्लर जा रही थी, वो पढ़ती नहीं, काम करती हैं। आज एक करेली बस्ती की लड़की है दुर्गा मेहरा, उसको एक्सीडेंट में चोट लगी थी और उसकी बहुत सीरियस हालत में उसको रिफ़र किया गया है नरसिंहपुर जिला चिकित्सालय। ट्रक ने स्कूल जाते समय उसको टक्कर मार दी है। वो तीन बहनें थी जो साथ में स्कूल जाती थी रोज, कन्याशाला की छात्रा रही 12th क्लास की, और बहुत ही ज़्यादा गंभीर रूप से घायल होकर नरसिंहपुर जिला अस्पताल पहुंची। उसकी स्थिति बहुत गंभीर थी, अभी मृत होने की कोई ऑफिशियल सूचना तो नहीं मिली है, लेकिन उसकी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। ट्रक चालक मिल गया है, ट्रक भी मिल गया, ट्रक चालक भी मिल गया। हाँ, कुछ गुस्से में लोगों ने ट्रक में तोड़फोड़ करने की कोशिश की थी, लेकिन पुलिस ने फिर भी बचाव कर लिया। ट्रक चालक नशे की हालत में था या स्पीड ज़्यादा थी? नहीं, नशे की हालत में तो नहीं है, स्पीड ज़्यादा रही होगी इसकी, नशे में नहीं।